मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान के चेहरे पर एक युवक ने कालिख पोत दी। घटना उस वक्त हुई जब वारिस पठान मुस्लिम बहुल खजराना क्षेत्र में नाहर शाह अली दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए दरगाह के बाहर निकले थे। वहीं पुलिस उपायुक्त संपत उपाध्याय ने बताया कि पठान के चेहरे पर कालिख मलने के मामले में स्थानीय नागरिक सद्दाम की भूमिका सामने आई है और उसे थाने में बुलाकर पूछताछ की जा रही है। वहीं उपाध्याय ने बताया कि सद्दाम को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है और AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता के चेहरे पर कालिख मलने के पीछे उसके मकसद का पता लगाया जा रहा है। ताज़ा खबरों के लिए कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।